वर्ष 2000 के आसपास जब माइक्रोसॉफ्ट के मौजूदा सीईओ बिल गेट्स ने सीईओ के रूप में पद छोड़ने का फैसला किया तो उनका तत्काल निर्णय स्टीव बॉलमर को नया सीईओ बनाना था। उस वक्त स्टीव बॉलमर बिल गेट्स के लिए सबसे बेहतर विकल्प थे क्योंकि स्टीव को उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हुए 20 साल हो गए थे और वो एक विजन ओरिएंटेड बिजनेसमैन थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि बिल गेट्स की तरह स्टीव कोई टेक्निकल इंसान नहीं थे, जिसकी वजह से स्टीव ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कंपनी और कस्टमर्स दोनों के लिए नुकसान का कारण बने और उसके बाद फाइनली साल 2014 में उन्हें अपने सीईओ की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन तब तक चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी तो अब उसके एक नए सीईओ का सिलेक्शन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और फिर 4 फरवरी 2014 को माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे सीईओ को अनाउंस किया गया और माइक्रोसॉफ्ट के इस नए सीईओ का नाम था सत्य नडेला। लेकिन ये एक ऐसा नाम था जो इस अमेरिकन कंपनी के फैंस के लिए बिल्कुल नया सा था और एक नए सीईओ के आने की वजह से इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के अंदर थोड़ी शंका तो हुई। लेकिन आज न सिर्फ इस कंपनी के इन्वेस्टर्स का विश्वास इस कंपनी पर बढ़ा है बल्कि सत्य नडेला की पॉलिसीज और डिसीजंस की वजह से कंपनी ने अनबिलीवेबल तरीके से ग्रो भी करा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि बिल गेट्स ने सत्य नडेला के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज देखी जिसकी वजह से उन्होंने एक इंडियन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, और आखिर क्या है सत्य नडेला की पूरी कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। तो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ सत्य नडेला, जिनका पूरा नाम सत्यनारायण नडेला है, इनका जन्म 19 अगस्त 1967 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता नडेला युगंधर इंडिया की सबसे रिस्पेक्टेड सर्विस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम किया करते थे। वहीं उनकी मां प्रभावती एक संस्कृत लेक्चरर थी। नडेला ने अपनी प्राइमरी और इंटरमीडिएटरी एजुकेशन हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल द हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट से करी थी। आपको बता दूं कि बेगमपेट में मौजूद ये वही स्कूल था जिससे सत्य नडेला के अलावा अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और मास्टर कार्ड की सीईओ अजय बांगा ने भी अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी थी। 12th क्लास पास करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने का फैसला करा और मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने साल 1988 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल करी। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो यूएस शिफ्ट हो गए और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिल्वॉकी से उन्होंने कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी और 1990 में मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद 1997 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की डिग्री भी प्राप्त कर ली। खैर, मास्टर्स कंप्लीट करने से पहले ही उन्होंने 1992 में एक अमेरिकन टेक कंपनी सन माइक्रोसिस्टम्स में काम करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन वहाँ कुछ ही समय तक काम करने के बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करने का फैसला किया, जहाँ इनिशियली उन्हें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर जहाँ उन्होंने अपना बेस्ट देते हुए कंपनी की ग्रोथ में खूब कॉन्ट्रीब्यूट भी किया, जिसकी वजह से साल 1999 में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट सेंट्रल स्मॉल बिजनेस सर्विसेज का वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया गया, जहाँ उन्होंने 8 सालों तक काम किया, जहाँ उनके डेडिकेशन और परफॉर्मेंस को देखते हुए साल 2007 में उन्हें कंपनी के ऑनलाइन सर्विसेज डिवीजन के रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्शन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके कुछ ही सालों बाद उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर एंड टूल्स बिजनेस का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। लेकिन इसके साथ ही उन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग का भी जिम्मा सौंपा गया और इन जिम्मेदारियों के समय में उनके द्वारा लिए गए अच्छे डिसीजन से प्रभावित होकर फाइनली 4 फरवरी 2014 को उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया और इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाले ये पहले व्यक्ति थे जो अमेरिकन नहीं थे। खैर, अभी सत्य नडेला के पास अमेरिकन सिटीजनशिप है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में चुने जाने के बाद सत्य नडेला ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो शॉकिंग तो थे लेकिन उनका रिजल्ट कंपनी और उनके कस्टमर्स दोनों के लिए काफी फायदेमंद भी रहा। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और द क्लाउड शिफ्ट जैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के अलावा पार्टनरशिप्स और कस्टमर नीड्स पर भी पूरा फोकस किया, जिसका फायदा यह हुआ कि 2014 में जहां माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप $315 बिलियन था, वही मार्केट कैप 2020 में बढ़कर $1.2 ट्रिलियन के आसपास हो गया। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी इनोवेटिव आइडियाज रखने वाले सत्य नडेला ने ग्रेग शो और जिल ट्रेसी निकोल्स के साथ मिलकर एक बुक भी लिखी है जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी से जुड़े उन आइडियाज को शेयर किया है जो वाकई में आने वाले भविष्य में क्रांतिकारी हो सकते हैं। और आपके लिए मैंने उस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी है, आप चाहें तो उस बुक को वहां से पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें सत्य नडेला के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, साल 1992 में उन्होंने भारतीय मूल की एक महिला अनुपमा नडेला से शादी की थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुपमा सत्य नडेला के पिता के यूपीएससी बैच के बैचमेट की डॉटर हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी इनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर सत्य नडेला की सैलरी कितनी है। तो इंटरनेट पर मौजूद मैक्सिमम ट्रस्टेड सोर्सेज के अकॉर्डिंग सत्य नडेला की सैलरी अराउंड $42 मिलियन पर एनम, यानी कि सालाना 312 करोड़ रुपए के आसपास है। तो दोस्तों, यही थी कहानी सत्य नडेला की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।